नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। उज्जैन जिले के सबसे बड़े शहर नागदा जंक्शन के बिरला ग्राम थाने में आए दिन विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है। अभी 3 दिन पहले ही एक महिला पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति के साथ बेरहमी से पिटाई की थी। उसके बाद इसी मामले को लेकर बिरला ग्राम थाना अंतर्गत आने वाले रविन्द्र यादव व थाना प्रभारी के बीच हाथापाई व तूतूमैमे भी हुई थी। हालांकि बाद में आपसी सहमति से मामला शांत हो गया था। इस घटना को आम जनता अभी भूली ही नहीं थी कि कल शाम को फिर से बिरला ग्राम थाने पदस्थ SI हेमंत कटारिया ग्राम नायन में रहने वाले कालू राम नामक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को चोरी की शंका में बिरला ग्राम थाने लेकर आए। जब कालू राम ने SI से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, तो SI ने कालू राम के साथ बेरहमी से पिटाई की और चोरी कबूलने का दबाव बनाया। पिटाई के दौरान कालू राम के हाथ में गंभीर चोट आई है। इस घटना की जानकारी जब भीम आर्मी व अखिल भारतीय बलाई महासभा के कार्यकर्ताओं को लगी, तो तुरंत बिरला ग्राम थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए और रात भर गिरते पानी में धरने पर बैठे रहे और SI को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। सैकड़ों की संख्या में लोग बिरला ग्राम थाना पहुँचने लगे। इस मामले की जानकारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवी व नागदा के भाजपा मंडल अध्यक्ष CM अतुल को लगी, तो सुबह बिरला ग्राम थाने पहुंचे और पीड़ित व्यक्ति का पक्ष जाना और उच्च अधिकारियों से चर्चा की और धरने पर बैठे लोगों से बात करने के बाद उज्जैन SP से बात की। उज्जैन SP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SI हेमंत कटारिया को तुरंत लाइन अटेज किया और जांच के आदेश दिए, जब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा कि यदि 7 दिनों में SI को निलंबित नहीं किया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अखिल भारतीय बलाई महासभा के ओम प्रकाश परमार, भीम आर्मी के निर्देश दुर्देश चौहान, सलमान शाह, विक्की मालवीय, विकास सूर्यवंशी, आशीष मेवाती सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आपको हाथ हाँ करें, बातचीत कोई बंद नहीं, बातचीत करने क्या दिक्कत है? बातचीत करूंगा, हाथ हाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, सभी लोगों के सामने बात करें। नहीं लग रहा अपने को हिसाब, मामले में क्या हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ। उसमें क्या है, पहले भी अपने यहाँ पर आए थे, यहाँ पर मेरे को धरने पर बैठना पड़ा था। जब जाके उस व्यक्ति के ऊपर काई में हुई, पूरी अखिल भारतीय भलाई महासंघ भीम आर्मी यहाँ पे पूरी बहुजन समाज खड़ी हुई, उसके बाद वो गाड़ी पे ड्राइवर चला गया, इस कारण और कुछ नहीं आना चाहेंगे यहाँ आता। अगर जवाबदार अधिकारी तो हम यहाँ नारेबाजी करेंगे। फोन लगाओ, एक काम करो, जी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, कटारिया जी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, कटारिया जी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, बार बार की दादागिरी बंद करो इनकी, बंद करो। कोई जवाबदार, ये बात करिए आप, कोई जवाबदार अधिकारी आने को तैयार नहीं है। बल्कि एक बार पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, उस टाइम पर भी भीम आर्मी, पूरी अखिल भारतीय भलाई महासंघ एवं पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। इसके बाद भी इन्होंने कोई सूझ नहीं ली। आज फिर कटारिया जी ने गरीब परिवार के साथ में मारपीट करी है। प्रकाश द्वारा, सलमान के द्वारा, जो पहले ऐसे पंक्ति जो हैं, इनके द्वारा एक घटना को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई थी और इसके संबंध में इनके द्वारा रात को एक आवेदन पत्र भी दिया गया है। तो हमने उसके बारे में ये बताया था कि इसकी जांच के लिए हमको 2 दिवस का समय है, उसके बाद में कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इनका अभी वार्तालाप और सभी लोगों की इससे ये है कि साहब हाल फिलहाल उनको लाइन की रवानगी देता हूँ, उनको जाँच पृथक से कर लें, जिसमें जो भी कार्रवाई होगी वो अलग से होगी। तो मेरे द्वारा जो है दिया गया है, तो उनको लाइन की रवानगी दी जा रही है और उसकी जो आवेदन पत्र की जाँच है उसको पृथक से जाँच। जय भीम, ठीक है भैया, ठीक हो ना?
सर हम तो सर हमें काफी खुशी हुई आज हमारे समाज भैया मैं तो कल रात को भी इनसे पूछो इनसे भी बात हो रही थी दुर्गेश भैया सर आप क्या बोल रहे हम सब तैयार है हमारे ऊपर भी किसी झूठे मामले में भी FIR करके हमें भी अंदर कर दिया जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रशासन ने जब आम आदमी के साथ ही हरकत करी तो हमारे साथ भी प्रशासन हमें भी झूठे आरोप में फंसा सकता है, क्योंकि हमने एक आम आदमी के लिए आवाज़ उठाई है, शायद प्रशासन की बात पचेगी नहीं। रखिए देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।